नमस्कार मध्यान खबर सहित मु निवेदिता आरंभ करबा बुलेटिन प्रथमे हेडलाइंस। रहस्य घेरे पारला खेमुंडी एसएफ सम्मेलनचर मृत्यु घटना प्रत्येक दिन सामना को आसुची नुआ नुआ तथ्य घटना संपर्क में मुह खोलिले ड्राइवर दिवाकर महापात्र पुलिस तदंत ठिक दिगक जाऊनथिबा अभियोग कहले अभियुक्त को धरवा को प्रतिश्रुति देले खोलिबे अनेक रहस्य। कर्णाटक को मिलला नुआ सुप्रीमो मुख्यमंत्री भाव शपथ ने बाष्पराज बोमाई पद गोपनीयतार शपथ पाठ कराइले राज्यपाल विधायक दल बैठक में होते निर्वाचित विरोध विरोध में मुह खोल महिला बाड़ राति अधरे धारण में बसीता महिला बाड़ मार चेयर भांगिदे दुर्बृत्त मनरेगा दुर्नीति अभियोग आनी नौगां ब्लक आगे धारणा देते जब कार्डधारी जनक अटक रखी पुलिस पचराउचरा। राज्य में कोरोना मृत्यु में लगुनी ब्रेक अणसरी जीवन नेला किलर भाइरस 24 घंटे 1703 पॉजिटिव डीएमईटी सेविके महांतिक प्रतिक्रिया 10-15 दिन मध्य बड़का मृत्यु संख्यार अडिट हो शेष स्थित को देख अनलॉक निष्पत्ति। पिपिलीर सोमेश्वर मंदिर रत्नचेरा उपत्यका नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चिंता पुनरुद्धार रक्षणाबेक्षण नहीं केन्द्र संस्कृति मंत्री लोड़िले हस्तक्षेप सामाजिक और सांस्कृतिक गुरुत्व को दृष्टि रखी निष्पत्ति अनुरोध। ऑक्सीजन अभाव संक्रमितों मृत्यु नहीं तथ्य मांगा केन्द्र 13 अगस्त सुधा राज्य और केन्द्रशासित अंचल को तथ्य उपलब्ध कराइबा को निर्देश अम्लजान जोगाइबा लागि केन्द्र सरकार चलाइले स्वतंत्र ट्रेन। ओलंपिक्स बैडमिंटन कोर्ट्रु खुशी खबर नॉकआउट स्टेज में पहुंचले पीवी सिंधु तीरंदाज एलिमिनेशन मैच हारे तरुण दीप राय सेपटे ब्रिटेन 4-1 हारा महिला हॉकी टीम एवं उत्तर बंगोपसगर आउ एक लघुचाप सृष्टि प्रभाव में आज 30 तारीख मध्य राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। बुलेटिन आरंभ करिबा से चर्चित खबर दिनकू दिन पारला खेमुंडी एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु रहस्य अड़ुआ सूतार क्षीर गुड़ाई होबार लगी प्रत्येक दिन नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुची सबु भितरे सामना को आसी गाड़ी ड्राइवर जे विद्याभारती माँ और बापा डाक्तरखाना नहीं ड्राइवर दिवाकर महापात्र घटना संपर्क में मुह खोली दिवाकर विद्याभारती माँ और बापा को नहीं कटक एसीबी को जाते और विद्याभारती सांगरे नहीं गौड़ गाँ फेरी एसीबी में पहुंचा पर सौम्य को कटक अश्विनी हस्पिटाल नेपाई उभय पर कथा दिवाकर तेरे घटना दिन सेठे उपस्थित या व्यक्ति को पचराउचरा कले सत सामना को आसो से कहते तेरे पुलिस अभियुक्त को धरवा को प्रतिश्रुति देले से अनेक रहस्य उपर परता हटाई पारे प्रतिक्रिया रखिंट तेरे पुलिस संप्रक्त लोकं पचराउचरा नक मन इच्छा तदंत कर दिवाकर सौम्य मृत्यु पर विद्याभारती को नहीं गौड़गाँ फेरी दिवाकर तेरे गुरुत्वपूर्ण कथ से विद्याभारती मनरे कौन दुख ना से कहते मो कह कथा जेटा सत से सत जहाँ को धरने ठीक कथा बाहर से पहुँचुना से पचार ना किए सत हो किए मीछ हो तुम निजे जापार ना कियाड़ कियाड़ जाऊ जिन गुड़ाक जहाँ को पचार कथा जी मुख्य आसामी जे से प्रेजेन्ट जी से जे मैंने थे सीटी से मूर्त किसी एपर्तंत किसी करना कि मानने ये लोक निरीह लोक से खाली खाली अजथार हेटी जा ये कर सीज कर दी आसे ये कले तबे दिनकु दिन पारलाखेमुंडी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु रहस्य अड़ुआ सूत क्षीर गुड़ई होबार लगी प्रत्येक दिन नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुची सबु भितरे सामना को आसी गाड़ी ड्राइवर जे विद्याभारती माँ और बापा को डाक्तरखाना नहीं तेरे ड्राइवर दिवाकर महापात्र घटना संपर्क में मुह खोली दिवाकर विद्याभारती माँ और बापा को नहीं कटक एसीबी को जाते सेठारु विद्याभारती सांगरे नहीं गौड़ गाँ फेरी एसीबी में पहुंचा पर सौम्य को कटक अश्विनी हस्पिटाल नेबापाई उभय परिवार कथा कहते दिवाकर तेरे घटना दिन सेठारे उपस्थित या व्यक्ति को पचराउचरा कले हेतु
सबु सत सामना को आसियो बोली से कहिसेंति आ पुलिस अभियुक्त को धरिबा को जति प्रतिश्रुति दिए तबे से अनेक रहस्य रहिछि जा उपर परदा हटाइबे बोली प्रतिक्रिया रखिसेंति। तबे पुलिस संप्रुक्त लोकन को पचराउचरा न करी मन इच्छा तदंत करथुवा मध्ये दिबाकर सांगातिक अभियोग आनिसेंति। समय को मृत्यु परे विद्याभारती को नै गौड़गां फेरिथिले दिबाकर जो गाड़ी रे तांका बापा मां को नै सेसीबी जाइथिले सेई गाड़ी रे गौड़गां फेरिथिले विद्याभारती को नै दिबाकर मापात्र जे उचंति से गाड़ी रो ड्राइवर। तबे गुरुत्वपूर्ण कथा होची सेतेबेले विद्याभारती मनरे कौनसी दुख नथिबा जा सांघातिक कथा कहउचंती दिबाकर महापात्र नियाती ए तदंत परिसरभुक्त ए बाबदरे अधिक सूचना नेबा हम प्रतिनिधि संतोष बाछिनी उदला प्रतिनिधि हम सहित जोड़ेचंती। संतोष गोटिए परे गोटिए कथा सामना को आसुची आ ड्राइवर दिबाकर महापात्र जो कथा कहउचंती जे विद्याभारती को जेतेबेले से गौड़गा नै जाइथिले से गाड़ी रे से बिल्कुल भी दुखित नथिले से बेले कोनोसी कथा से परिलक्षित होइ नथिला यारि मध्ये से किछि खुलासा करबा को चाहउचंती जो आ कहउचंती जदि पुलिस प्रतिश्रुति दिए सठिक दिगरे तदंत करबो ताहाले से अनेक कथा खुलासा करि पारंती कोन हेताय पारे से कथा तो घटना को जदि कहबा आज के 2 सप्ताह रु अधिक हे गलाई एसएफ सम्य रंजन कर रहस्यमय जो मृत्यु घटना किंतु तो दिन कु दिन घटना नुआ मॉडर्न होची। आज आम जो भेटीलु जे दिन घटना घटला से दिन घटना तो जिते बड़े विद्याभारती विद्याभारती बापा और माँ से मैंने कत्तिपदा गौड़ गाँव रू से घटना संपर्क में शुणी जिते बने पारला खेमुटी गले से दिन घटना और से ड्राइवर आज मुह खुली से कही तो मत से डाकिक नहीं कि पारला खेमुटी जावाई मत कहले मुझे आम जा भुवनेश्वर से पहुँचल राति प्राय से दुईटा प्राय दुईटा हम से बेलू पहुंची ना सांगे आउ गोटे गाड़ी रही एसएफ बापा सौम्य सौम्य बापा एक जाने भुवनेश्वर पहुंचले परवर्त मुहूर्त से जानले कटक आसने पुणी भुवनेश्वर एसीबी को प्रत्यावर्तन करते समय पुणी आलोचना करते अलग एक घर डाक्तरखाना को नापी कि एसीबी एडमिशन करते तो एसीबी एडमिशन कला सौम्य से मान मृत्यु होता तो घूरी आसते कप्तिपदा गौड़ गाँव को फेरी तो जहाँ कहवा कथ सी तो कैमेरा सामने से ड्राइवर किसी कहूना तथा तो कैमेरा बाहर सी बहुत कथ कि आमको मानने सूचना दे तो यही कथ को आम जब कह कि प्रतिक्रिया जिते बड़े विद्याभारती स्वामी मरीगले तो विद्याभारती जिते बड़े गाड़ी में दीर्घ 6 घंटा धरी जो गौड़ गाँ कत्तिपदार गौड़ गाँ को फेरिले प्रतिक्रिया कौन थी अनुशोचना कौन थी से केते दुखित थिले ए संपर्क में जदि तमेंगे कहवा तेल मन भितर आद दुख नाला से ड्राइवर जहाँ दिवाकर महापात्र जहाँ सूचना देखते कि कहवा कथा से गोटे सांघातिक कथा कही जो घटना है पुलिस जहाँ को तदंत दायित्व जो पुलिस जहाँ को पचरा उचरा पुलिस जाऊ बहुत धन्यवाद संतोष बाछिनी आम प्रतिनिधि जहाँ कहते जो दिबाकर महापात्र जे कि कैमेरा सम्मुखें जदिओ मुह खोलुना से जो कथा कहते नियाती तदंत परिसरभुक्त अनेक एभली कथा रही से खुलासा करने को चाहती रहस्य परदा हटेबा चाहती तदंत सठिक दिगरे जाऊनी जहाँ दिबाकर महापात्र कहते दिबाकर महापात्र से जो गाड़ी में सौम्यरंजन महापात्र बापा माँ एसीबी जाते परवर्त समय से ही गाड़ी में से नहीं गौड़ जो गौड़ गाँव रही विद्याभारती को नहीं सेठे छाड़ते विद्याभारती जम्मार दुखी ना से कहते बसवराज बोम्मई कर्णाटक नुआ मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं बसवराज बोम्मई पद गोपनीयतार शपथ पाठ कर राज्यपाल थावर चंद्र गेहलट सोमवार राज्यर मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देते बीएस येदुरप्पा पर मंगलवार बसवराज बोम्मई को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल नेता भाव चयन कर मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करने सहित बोम्मई ना मुख्यमंत्री होता पिता पुत्र जोड़ी में सामिल होगा। पुलिस हाथ में हाई प्रोफाइल चाकराणी दिल्ली में चोरी कर भुवनेश्वर राजमहल छक लुचि कैपिटल थाना पुलिस सहायता रे महिला को गिरफ्त कर दिल्ली पुलिस चाकराणी ठारु कोटिए टंकार हीरा और सुना जबत होई छि महिला जनक सालिया साहिर
दिल्लीर जने प्रतिष्ठित लोकों घरे चाकराणी भावे काम करुथिले। किछि दिन तले घर मालिक जनक परिवार लोकों सह विवाह भोजिरे जाइथिले। एहार सुजोग नै हीरा और सुना चोरी करि भुवनेश्वर आसी राजमहल रो एक होटेल रे लुचिथिले। एने घर मालिक जनक दिल्लीर एक थाना रे एतला देथिले। पुलिस तदंत बेले जानिबा को पाइला जे महिला जनक भुवनेश्वर अछन्ति। एने कमिश्नरेट पुलिस को अवगत करथिला दिल्ली पुलिस। कैपिटल पुलिस सहायता रे महिला जनक गिरफ करिछि दिल्लीर तीन जणिया पुलिस टीम। तबे तदंतरु महिला जनक जणे पुरुष बंधु थिबा जणा पडिछि। युवक जनक फेरार अछन्ति। महिला जनक ट्रांजिट रिमांड रे नेब दिल्ली पुलिस। संतोष जना आम रिपोर्टर ए बाबद आलोचना आम सहित जोड़ संतोष कमिश्नरेट पुलिस सहायता नहीं दिल्ली पुलिस यही जो हाई प्रोफाइल चाकराणी रही केमती चोरी करने प्रक्रिया थिला पुलिस को केमती सफलता मिला केमती जानवा को पाइला दिल्ली पुलिस से राजधानी राजमहल रोते देखो निश्चित भाव निवेदिता प्रथम कथा हूँ संपुक्त चाकराणी जनक या पूर्वर मध्य किसी कार्यकलाप लग रही ओडिशा रे मध्य से गोटे दुईटे काम करते पर जे प्रतिष्ठित व्यक्ति घरे दिल्ली में थिले सेठी सुना गणा कौट रोच टंका पैसा कौट रोच से नजर देते तापर यह किसी घटना देखाला जोठी ये युवती जनक विवाह भोजी को से प्रतिष्ठित व्यक्ति परिवार लोके जा समय ये सुना गहना एमती हीरा भी ताबर अच्छी सबूधरी चंपट मारी पुरुष बंधु सहायत राजमहल एक होटेल रोते जो होटेल संपर्क में पुलिस जाणी और पुलिस तदंत कला जाणी को पाइला या भितर तीन जनीया पुलिस टीम प्रथम कमिश्नर पुलिस को अवगत कराईपर कैपिटल थाना पुलिस यार दायित्व नहीं संपुक्त युवती को खोजी खोजी होटेल पहुंची थे आज गिरफ्त कराई दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड नब यह सहित पुरुष बंधु सहायत से यह कार्यकलाप करतमान खोजा चली से किभली गले पैसा टंका सुना नहीं से आसिले केमती किभली भाव में साहस कले से चोरी प्रक्रिया किभली ये सब से रिमांड आसला सत मान्य बोले आशा कराऊ सहित जो कैपिटल थाना पुलिस दिल्ली पुलिस को वर्तमान हाई प्रोफाइल चाकराणी को हस्तांतर कराई और ट्रांजिट रिमांड में दिल्ली पुलिस नबोली कह संपर्क में भुवनेश्वर डीसी किसम पर प्रतिक्रिया रखिपारती कि भाव में संपुक्त चाकराणी जनक पाखापाखि कोटे टकर सुनागहना ऊर्ध सुनागहना आनी सारे से किभली भाव में लुचि थे और कार्यकलाप कौन थी और से कौन भाविते प्रकृत में यह नहीं कि कौट विंज करते भितर किसी बिक्री करें आउ किए किए सहयोग कर एत मात्रा रे टंका सुना गहना घर भितर से जानले केमती एमती अनेक कथा आगु को आसो बोली वर्तमान समय जा चर्चा होउछे आ सहित ट्रांजिट रिमांड रे दिल्ली पुलिस ये सब सत उगाड़ब हाई प्रोफाइल चाकराणी को मुहरू अपेक्षा जे पुरुष बंधु सहित कौन संपर्क रही है और पुरुष बंधु जनक या कि सहयोग करते निवेदिता संतोष आ गोटे कथा जानवाक चाहबु ये जो हाई प्रोफाइल चाकराणी रही प्रकृत घर के दिल्ली केमती गले सेठी भेटिले घरे केते दिन धरी रोते केबू धरी भुवनेश्वर आसिले केते दिन धरी सेठार रोते केवल जड़े पुरुष बंधु रही ना ये चोरी घटारे पूरा आहरी गोटे बड़ साजिश रही अनेक लोकों संपृक्ति रही देखो वर्तमान समय घर एपर्तंत पूरा स्पष्ट हो पारे आउ किसम पर पुलिस प्रतिक्रिया रखिपारती अर्थात डीसीपी प्रतिक्रिया रखिले ही पूरा स्पष्ट हे कि कहुच्छ आणवार किसी दिन पर अर्थात जो दिन चंपट मारे घर सुनागणा नहीं ता पर दिन दिल्ली पुलिस पाखे संपुक्त व्यक्ति जनक गोटे मामला रुजु कले संपुक्त युवती को खोजी खोजी जमापड़ा जे भुवनेश्वर से अच्छा तापर तक लोकेसन ट्राक करापर कमिशनरेट पुलिस को अवगत कराई कमिशनरेट पुलिस पक्ष दिल्ली पुलिस तीन जनिया टीम और कैपिटल थाना पुलिस को दायित्व दिखाई है या पूर्व जो रेकर्ड अच्छी आ किसम भितर वेरीफाई कराऊ प्रकृत से अभ्यासगत ना लोभरे पड़ी एभली किसी कार्य कर खूब कम समय भितर जमापड़ एने पुलिस पूरा सूचना दब निवेदिता ओके बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना आम रिपोर्टर सदाशक आमको जहाँ सूचना दौले जो भाव कमिशनरेट पुलिस साहय दिल्ली पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली और कमिशनरेट पुलिस को सफलता यह कहुई पारे जो दिल्ली में जड़े बड़ बाबू घरे जो संपुक्त चाकराणी कहुच्छ हाई प्रोफाइल चाकराणी से दीर्घ दिन धरी कम करते केमती सुनागणा लुट कर फेरी आसते सेठे से राजधानी राजमहल रोते जोठारे कि पुरुष बंधुक साज्य नहीं कि पुरुष बंधु जदि बर्तमान समय फेरार अच्छा किंतु कमिश्नरेट पुलिस कब्जा में बर्तमान हाई प्रोफाइल चाकराणी अधिक पचराउचरा पर हेत पूरा घटना स्पष्ट हो लुट प्रक्रिया केभु आरंभ होता और केते सुनागणा जबत हो।
दुर्नीति विरोध में मुह खोल महिला को माड़ राति अधरे धारण में बसी महिला को माड़ मार चेयर भांगी जरी चेरी देले दुर्बृत्त। जगत सिंहपुर जिला नाउगां ब्लक आगे बांश पंचायत जबकार्डधारी महिला 10 दिन धरी आंदोलन में बसी मनरेगा योजन दुर्नीति अभियोग आनी ब्लक सम्मुखें दिन राति धारणा देते। गत विलंबित रात में 5 रु अधिक दुर्बृत्त आसी धारणास्थल में महिला गाड़गुलज करने माड़ मार अभियोग होती। घटना पुलिस जन को अटक रखि पचराउचरा कर गणतंत्र राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक अधिकार अच्छी से आवाज उठे स्वर उठे अन्याय प्रति अन्यायर प्रतिवाद करेंगे और धारणा बसवे और आंदोलन करेंगे प्रतीकात्मक आंदोलन करेंगे। किंतु दीर्घ 9 दिन धरी ये बसी रही बेले महिला मैंने पुलिस प्रशासन कौन महिला अधिकारी मैंने महिला पुलिस मैंने नथिले धारणास्थल कौन पुलिस ये नहांती एपर्त जो भाव में गुंडा राज चल गुंडा राज चल महिला असदाचरण कर बलात्कार करने धमक देते माड़ मार चेयर फेयर सब भांगी भंगराजा कर आईन निर्माता फटो को फिंगी फोपाड़ी प्रश्न सृष्टि होती। गोड़ास ग्राम पंचायत जे सरपंच रही पुओ जे मिठू बारिक साथी मैंने जो गुंडा साथी मैंने आसिक गंडगोल कर आक्रमण करती प्रश्न सृष्टि होती न्याय बदल न्याय नदा परिवर्तन यह भाव में आक्रमण करवा गणतंत्र राष्ट्र कलंकित आदेश सृष्टि कर प्रश्न सृष्टि होती। जिला प्रशासन चुप कहीं अच्छी पुलिस प्रशासन चुप कहीं एपर्त आईएससी जगह पहुंची पारिना एसपी महोदय पहुंची ना कौन जिला प्रशासन पहुंची ना 9 दिन पर आज 10म दिन में धारणा बसता बेले एभली अगणतांत्रिक अत्याचार केवेपी स्पृहणीय नुहे एभली गणतांत्रिक राष्ट्र में नवीन सरकार जो कौन गाँव को काम माँ को सम्मान माँ को कौ भाव ये असमान दौरान आपं पाखे चित्र आपंतु देखु ये अन्याय अत्याचार कौ भाव में होती जे अन्यायर प्रतिवाद करप्रति कौ भाई अन्याय होती आपज आखिरी देखु यार प्रतिवाद केवल ये नुहे समग्र राज्य स्तरीय प्रतिवाद करेपर्यंत से गिरफ सहित आंदोलन चालू रहिबो। मानस कानून को आम जगत सिंहपुर प्रतिनिधि बाबद आलोचना सहित जोड़ मानस जनकु पुलिस अटक रखी पूर्व बुलेटिन आलोचना करुले हक लड़े कर महिला मैंने प्रथम तो लॉकडाउन समय कम ना रोजगार ना घर बस पड़ी जॉब कार्ड पाखे रही मनरेगा योजना कम जोगाई दि जा पारंता कि कम जोगागलानी जो प्रतिवाद करते स्वर उठाऊ दुर्बृत्त मैंने आसुच्च माड़ मारुच चार भांगी दौरान तंबू चिरी दौरान बर्तमान पर्यटन समस्त को पुलिस धरला कि ना कहीं जड़े बर्तमान पुलिस कब्जा हाँ देखु निवेदिता गत 21/6 ये धारणा अब्याहत रही प्रथम जिते से नाउगाँ ब्लक्र जो गोरांश पंचायत रही सहित बांश पंचायत रही सहित जो जामुगा पंचायत प्राय व्यापक पंचायत नाउगाँ ब्लक्र मनरेगा जो दुर्नीति चली कि किसी पंचायतवासी आसिक धारणा देते जो कि दीर्घ दिन में धारण में बस कि भाव में न्याय पाए जो सरकार को जो केन्द्र सरकार को जो रही 100 दिन काम मिल गोटेपटे लॉकडाउन रही लोक को किभ 100 दिन काम मिल से निजर नार्य हक आज लड़े जारी रखी बेले गत काली रात जो अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि निहाती ये गोटे निंदनीय घटना और दुखदायक घटना जो नाउगाँ ब्लक आगे बांश पंचायत समेत नाउगाँ ब्लक्र बहु पंचायत महिला मैंने धारण में बस दिन राति गत 10 दिन दिन राति दिन तमाम राति तमाम खरा बर्षार से धारण में बसी थे सुधा एपर्तंत प्रशासन एम पाखे पहुँची ना गोटेपटे पुलिस प्रशासन न्याय दे पारे जिते महिला मैंने राति में बसी थी कैमेरा पट कि महिला मैंने राति अनिद्रा कि बसी से महिला मैंने शो पड़े कि पुलिस प्रशासन तरफ को व्यापक सुरक्षा दि जा पारे केवल गत काली रात जो अप्रीतिकर सृष्टि 4-5 जन दुर्बृत्त आसिक जो चेयर भंगारुजा कले सहित महिला मानक अश्लील भाषा से गाड़ी गुलज कले एप जो 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 मैंने बसी युव बंधु मैंने पुलिस प्रशासन को अनुरोध करते कि महिला पुलिस महिला पुलिस का रात नसत जड़े दिज होमगार्ड को छाड़े कई ना जहाँ को लेकिन जो रही आम घोड़ांश पंचायत सरपंच पुह रही मिट्टू बारिक समर्थक मैंने आसिक गाड़ी गुलज कर चेयर भंगारुजा कर जो अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होती पुलिस पाखे पहुँची ना आम आज घटनास्थल पहुँचुच्छे मुझे देखा कैमेरा पर्सन को कहि ये हूँ नाउगाँ ब्लक दृश्य नाउगाँ ब्लक आगे से धारण में 10 दिन है बसी ना जिला प्रशासन एम कथा बुझुच्च ना पुलिस प्रशासन एम को सुरक्षा दे पार गत 10 दिन है जो धारण में बसी प्रशासन तरफ एपर्त पहुँचे कारण जो सरपंच रही घोड़ांश सरपंच रही बीजेडी समर्थित सरपंच तनुलता बारिक रही पुह मिट्टू बारिक यही घटन संपुक्त और गत का रात आसी जहाँ धारणकारी मानक सूचना देते आम सीधा सड़क आलोचना करवा सहित जो 10 दिन है से कहीं धारण बस
ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି, ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅପରିଚିତକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବା। ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାକାରୀମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି ଏବଂ କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ଦିନ ହେଲେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାଜିଛି, ସ୍ଥାଣୁ ପାଲିଟି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ହଡ଼ପ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରି ଖୋଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଳରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଅପରପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁଡ଼ା ଲୁଗା ଚିରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେୟାର କୋଉଳି ଭାଙ୍ଗରାଜା କରିଛନ୍ତି, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୁହା ରଡ୍ ଛୁରୀ ମାନେ କଟୁରୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଏବଂ ଏଠି ସିଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ଏଠି ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଶରତ ନଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଧାରଣକାରୀ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଦୂର କଥା, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ 2 ହାବିଲଦାରକୁ ଦୁଇଟା ହୋମଗାର୍ଡକୁ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନାକାମ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅସଦାଚରଣ କଲେ, ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ, ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବସିବ ତୁମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆମର ନେତା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଧମକ ଦେଇ ଏବଂ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯଦି 2 ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ, 3 ଜଣ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ଜଣେ ସେପଟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ବାଇକ୍ ସେଠି ଥୋଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା, ତାପରେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ଏପଟରେ, 2 ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି, ଗୋଟେ ଧରିଛି ତରୁଆଲ, ଗୋଟେ ଧରିଛି ରଡ଼, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସେ ପଛପଟ ପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଧରିକିରି, ପିଲା ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଧରିକି ଆସିଲା, ରାସ୍ତାକୁ ଆଗ ବାଡ଼େଇଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଆଗ ବାଡ଼େଇକିରି ସୋଧାସୋଧି କଲେ, ଅନିଲ କି ବହୁତ ସୋଧିଲେ, ବହୁତ ଅଭାଷା ଭାଷାରେ ଅନିଲ କି ସୋଧିଲେ, ଆଉ ହାଣିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ ଏମିତି ଧମକ ଦେଲେ, ଆମକୁ ସେମିତି କହିଲେ ତୁମେ ଉଠିକିରି ପଳାଅ। ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଯିବୁ, ଆମେ 9 ହେଲା ବସିଲାଣୁ ଏଠି, ଆମେ ଉଠିକିରି କାହିଁକି ଯିବୁ, ନା ତମର କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯାଅ ନହେଲେ ତମକୁ ବାଡ଼େଙ୍ଗି ମାରିଦେବୁ। ଆମ ଜରି ଫରି ଚିରିଦେଲେ, ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଟଣା ଘୋଷରା କରିଦେଲେ, ଲୁଗାପଟା ଆମର ବି ଚିରି ଦେଇକି ଟଣା ଘୋଷରା କରି ଆମକୁ ଆମ ଜରି ଫରି ଚିରିକିରି ଆମକୁ ସେଇ ଜରିକି ଘୋରେଇ ଘାରେଇ ଦେଲେ। ଆମେ କହିବାରୁ କହିଲେ ତମର ଆମ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବ, ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, 9 ହେଲା କାହିଁକି ବସିଛ, ତମେ ଉଠିକିରି ଯାଅ ନହେଲେ ତମକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବୁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି କରୁଛୁ, ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଦେବୁ, ତମେ ଯାଅ। ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କି ଆମର ଘୋଷାରି ଘୋଷାରିକା ନେଇକିରି ବି କହିଲେ ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ, ଆମେ ତମେ ସେ ମାଉସୀ ଛାଟିପିଟି ହେଇ କାନ୍ଦିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବି। ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ମାନେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ବସିଛୁ, ସେ ସେଇଠୁ ଅଇଲେ, ଆସିକିରି ଏଠି ପଶିଲେ, ପଶିକି ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଧକା ଧକି ମରାମରି ସେଇଠୁ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ସବୁ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି କହିଲୁ, କହିଲେ ହେରି ତୁମେ କହିଲେ ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ମାରିଦେବୁ, ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସି ବସିକିରି ନିନ୍ଦା କରିଦେବ? ଆମେ କହିଲୁ ନିନ୍ଦା କାହିଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ କାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ହେଠି ଏମିତି ହେଇକିରି ସବୁ ଧୂଳ ଏକାଳି କରି ମୋତେ ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ, ଏ ଚେୟାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମୋ ଉପରକୁ, ଏ ଚେୟାରକୁ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି କାନ୍ଥରେ ନେଇକିରି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା କହିଲା ବେଳକୁ କିଭଳି କୋହ ଆସୁଛି, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା ଦେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ମୁଖା। ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମିଟୁ ବାରିକ, ଯିଏକି ଗୁଣ୍ଡା ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସିଛ, ସରକାର ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଉଠି ଯାଅ, ଏମିତିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡାରା ଚଲାଇଥିଲେ ଏମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ କାନୁନଙ୍କୁ, ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସଦାସ କାମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।
ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଅନସ୍ତରୀ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 14 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 10, ଅନୁଗୁଳରୁ 9, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 8 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟା କମିଶାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5703ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1703 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 384, କଟକରୁ 240, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 149, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 52 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଡିଟ୍ ଶେଷ ହେବ। ଏବେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁର ଅଡିଟ୍ କରିବା ପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ବି ଜନସାଧାରଣ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କଟକଣା ରହିବା ଦରକାର। ସେଭଳି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ଟିକାକରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଭାରତରେ ସେମିତି 54 ଜିଲ୍ଲାରେ 10% ଉପରକୁ ଟିପିଆର୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। 60 ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତି ନମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଶ ସାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହଁ। ଗତକାଲି ବି ମାନେ କାରଣ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି, ଅନଲକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଗରିଂ ୱେରେ ହୁଏ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଅଲ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଲ ଭଳିଆ ଆଜି ଅଛି, କାଲିକି ଟୋଟାଲି ଅନଲକ୍ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାଲି ବି କହିଛି, ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଟା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବ ସେଇଦିନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟିପିଆର୍ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବେଗରେ ମାନେ ଟିପିଆର୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପାରାମିଟର ନିଆଯାଉଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କରିସାରିଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।